हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल मार्केट एनालिसिस। दोस्तों, सबसे पहले बात करना चाहूँगा अपने टेलीग्राम चैनल के बारे में। ये है हमारा फ्री का टेलीग्राम चैनल। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। आज क्या क्या अपडेट दिया गया था, सबसे पहले बताना चाहूँगा। आइस मेक रेफ्रिजरेटर, ये हमने आपको कुछ दिन पहले स्टडी कराया था। आज काफ़ी अच्छा मोमेंटम इसमें जो देखने को मिला है, करीब 11% का मोमेंटम यहाँ पर बना के दिया हुआ है। उसके बाद जो अपडेट दिया था, चमन लाल सेठिया, आपको परसों मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया था। उस टाइम ये जो ट्रेड करा रहा था 346 पे ट्रेड करा रहा था, और आज इसने जो हाई मारा है 381 का हाई मारा है, तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम इसने जो बना के दिया हुआ है। इसके बाद बात कर लेते हैं इगार्शी मोटर्स, इसमें भी काफ़ी अच्छा रनअप हमें देखने को मिला है। 12% का रिटर्न ये ऑलरेडी बना के दे चुका है, इस जोन के आसपास मैंने आपको स्टडी कराया था। एंड नेक्स्ट अपडेट मैंने दिया था आपको एवलॉन टेक्नोलॉजी, आप इसको देख सकते हैं। मैंने करीब आपको सितंबर मिड में आपको ये स्टडी कराया था, जब यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा था, ठीक है। इसने यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम दिया, वापस रिट्रेसमेंट करने के बाद फाइनली निकलना स्टार्ट हो चुका है। आज के दिन इसने जो 20% का अपर सर्किट हिट कर दिया है, और आगे जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू हमें देखने को मिल सकता है। वेल दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं ओवरऑल मार्केट का क्या स्ट्रक्चर रहने वाला है, निफ्टी 50 का क्या व्यू है, और इसके अलावा बात करने वाले हैं दोस्तों तीन ऐसे बेहतरीन स्टॉक्स जिनमें आगे चल के आपको इंट्राडे प्लस स्विंग दोनों में आपको ज़बरदस्त मोमेंटम हमें दिखाई पड़ सकता है। तो इस पर हम जो डीपली एनालिसिस करेंगे, बने रहिएगा इस वीडियो पे एंड तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के बारे में। आज दोस्तों फिर से हमें गिरावट देखने को मिली है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये वाला एक रेजिस्टेंस जोन है 24,500, इसको ये ब्रेक करना चाहिए तब जाके हम इसको मान सकते हैं कि ये बुलिश हो चुकी है। बट दोस्तों यहीं से इसमें रेजिस्टेंस फेस हुआ और आज कम्प्लीटली गिरावट हमें देखने को मिली है। बिल्कुल डे लो के आसपास इसने जो क्लोजिंग दी है, ये थोड़ा सा परेशान करने वाली सिचुएशन है। बाय द वे बताना चाहूँगा, ये वाला जोन एंड ये वाला जोन इसी बीच में ये ट्रेड करा रही काफ़ी दिन से, ठीक है। अगर मान के चलो दोस्तों अगले 3 या 4 दिन में ये वापस से क्या करती है, इस तरीके से मोमेंट देके इसको ये ब्रेक कर देती है, तो वेल एंड गुड है, हमारे लिए एक अच्छी कंडीशंस रहने वाली है। अदरवाइज बताना चाहूँगा, अगर मान के चलो ये इस तरीके से यहाँ पे गिरने के बाद इसको ये ब्रेक कर देगी, इस वाले लो को अगर ब्रेक करती है, तो फिर आपको थोड़ी सी गंभीर सिचुएशन दिखाई पड़ सकती है, क्योंकि ये इसका ना मेजर सपोर्ट रहने वाला है। आप देख सकते हैं पहले भी इसने यहाँ पे आके टाइम स्पेंड किया था, ये एक इसका मेजर सपोर्ट है। तो ये वाला अगर लेवल टूटता है तो दोस्तों फिर मार्केट जो है काफ़ी दिनों के लिए जो है डाउन ट्रेंड में चली जाएगी। तो आई होप कि मार्केट 24,500 को जल्दी ही यहाँ से रिकवर कर दे, तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक के बारे में। निफ्टी बैंक का ये रेजिस्टेंस था 52,500 का, ठीक है। इसी से एग्जैक्ट यहाँ पे जो है गिरावट हमें देखने को मिली है। आज के दिन काफ़ी अच्छी गिरावट हमें देखने को मिली है। अब देखते हैं क्या सिचुएशन हमें देखने को मिलेगी। बाय द वे बताना चाहूँगा, ये इसका जो है एक मेजर सपोर्ट है, बार बार इसको टेस्ट कर चुका है। अगर अब की बार ये ब्रेक होता है, सपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, अगर ये वाले लेवल अब की बार ब्रेक होते हैं तो दोस्तों गंभीर गिरावट यहाँ पे देखने को मिलेगी। आप इसके लिए अपने आप को प्रिपेयर रखना। अच्छा ये रहेगा कि मार्केट जो है यहीं पर कंसोलिडेशन करके वापस से इस लेवल को ब्रेक कर दे, तो आपको अच्छी रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। वेल दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं किन किन स्टॉक्स ने एक अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाई है। सबसे पहला स्टॉक है अपना धनी सर्विसेज। आप देख सकते हैं इस लेवल के आसपास स्टडी कराया था, मात्र 3 दिन में करीब 17% का रिटर्न यहाँ पे बना के दिया हुआ है। आज हालांकि इसमें जो है इस लेवल के आसपास आके वापस से प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली है, और अपने रेजिस्टेंस के आसपास इसने जो है क्लोजिंग दी है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ मोमेंटम ये दिखाता है। नेक्स्ट स्टॉक क्री इंडस्ट्रीज, किस किस को याद है, मैंने इस लेवल के आसपास आपको स्टडी कराया था और आपको ये भी बताया था कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक छोटी रेंज में इसको लेके आया गया है, एक ट्रायंगल चार्ट पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, इसका ब्रेकआउट होगा, एक ज़बरदस्त मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और फाइनली हमें देखने को मिला है। लास्ट 3 डेज से इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न यहाँ पर बना के दिया हुआ है। आप देख सकते हैं करीब 15% का रिटर्न ये ऑलरेडी बना के दे चुका है। नेक्स्ट स्टॉक कल मैंने आपको स्टडी कराया था IMFA, हालांकि इस रेंज में एंटर तो कर चुका है लेकिन कोई खास मोमेंटम इसने जो बनाई नहीं, 1 से 1.5% की मोमेंटम आज जो देखने को मिली है। देखते हैं आगे चल के क्या कुछ मोमेंटम हमें मिलती है। नेक्स्ट स्टॉक एस्टर इंडस्ट्रीज, ये भी मैंने आपको कल स्टडी कराया था। अनफॉर्चुनेटली इसमें आज जो
गैप अप ओपनिंग मिली हमें, 11% की गैप अप ओपनिंग मिली है, और उसके बाद इसमें जो प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली है। लेकिन बताना चाहूँगा, हमने अपने प्रीमियम मेंबर्स को, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको मैंने रनिंग मार्केट में ही करीब 2 बजे के आसपास इसको स्टडी कराया था 156 पे। हाँ, उनके लिए बेनिफिशियल होगा ये, क्योंकि रनिंग मार्केट में अगर कोई चीज़ आपको मिल जाती है और उसके बाद वो सीधा गैप अप ओपन हो जाती है, तो वो आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित होती है। लेकिन आप लोगों के लिए इसमें कंडीशन बिल्कुल भी नहीं बनती, क्योंकि सीधा अगर कोई चीज़ गैप अप ओपन हो जाती है तो यहाँ पे बिल्कुल भी बाई का कोई भी सिस्टम नहीं बनता है। क्योंकि जो भी चीज़ अगर 10-11% की सीधा गैप अप ओपन हो जाती है, तो दोस्तों उसमें प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी है। उसमें अगर आपने अपर लेवल पे बाइंग कर ली, तो आप यहाँ पे स्टक हो सकते हैं, आपको लॉस का सामना करना पड़ सकता है। वैसे दोस्तों बताना चाहता हूँ, इस वीडियो में किसी भी स्टॉक्स के बारे में चर्चा जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज से होती है। आपने किसी भी स्टॉक्स को बाय या सेल नहीं करना है। अगर आप बाय या सेल करना चाहते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके ही कीजिएगा। नेक्स्ट, नवकार कॉरपोरेशन, इसने भी कोई खास मोमेंटम नहीं दिखाई। 1-2% की मोमेंटम इंट्राडे में बनाई है, कोई खास मोमेंटम है नहीं। आगे चल के देखते हैं क्या कुछ मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों 3 वो बेहतरीन स्टॉक्स जिनमें इंट्राडे प्लस स्विंग एक अच्छी मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहला स्टॉक है नाइका। आपको याद होगा अगस्त में मैंने आपको इस लेवल पर स्टडी कराया था, काफ़ी अच्छा मोमेंटम इसने बना के दिया। उसके बाद इसमें क्या हुआ है, गिरावट हमें देखने को मिली है। अभी दोस्तों एक ट्रेंड लाइन इस तरीके से अगर ड्रॉ करते हैं तो उसका यहाँ पे ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। आज अच्छी खासी यहाँ पे तेजी देखने को मिली है, वापस अपने ये डिमांड जोन में आ चुका है। ये इसका एक डिमांड जोन है, इस लेवल पे जैसी प्राइस आता है एक अच्छी तेजी हमें देखने को मिलती है। तो एज पर माई एनालिसिस आगे भी इसमें जो तेजी है वो कंटिन्यू हमें देखने को मिल सकती है। इस तरीके से फर्स्ट टारगेट है दिस वन, एंड अगर इसको भी सस्टेन करता है तो फिर आपको इस वाले हाई तक जाते हुए नजर आ सकता है। तो इसको आप अपने एंड पे स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप कॉस्मो फर्स्ट, आप इसको देखिए कितना अच्छा चार्ट पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। बाय द वे बताना चाहूंगा, यहाँ पे एक अच्छी गिरावट होने के बाद प्राइस क्या कर रहा है, यहाँ पे घूमने की कोशिश कर रहा है, राउंडिंग बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है, और धीरे धीरे क्या कर रहा है, अपने आप को हायर हाइज हायर लोस की फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ से जो तेजी है वो धीरे धीरे आएगी, इस तरीके से मोमेंटम दिखाते हुए आपको अपर साइड में जाते हुए नजर आ सकता है। तो इस पे आप जो नजर बना के रख सकते हैं एंड स्टडी कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मोतीसंस ज्वेलर्स, आप इसको देख सकते हैं दोस्तों, काफी अच्छा रनअप यहाँ पे इसने दिखाया है। ठीक है, रनअप दिखाने के बाद इसने अपने आप को क्या किया है, एवरेज किया है, इसने अपने आप को सस्टेन किया है अपर लेवल पे, और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पैटर्न भी बन रहा है, पोल एंड फ्लैग पैटर्न। तो काफ़ी अच्छी तेजी यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती है। इस तरीके से अगर ये इसको ब्रेक करता है, आपको अच्छे टारगेट अपर साइड में देखने को मिल सकते हैं। तो इसको भी आप अपने एंड पे स्टडी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आई होप ये लर्निंग सीरीज आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।